डरू लागत थी कि अब आगामी दिनन में महंगा सामान या हाँ बिल्कुल डर लगती है, बहुत डर लगती है। क्यों नहीं डर लगती है? जो जो आदमी डर तो लगेगी, सामान्य आदमी को तो डर लगेगी। और इस कार्रवाई में अब फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए गए हैं और ये अभी देखा जा रहा है कि अब क्या पुलिस कर रही है हमारे लिए या जनता के लिए। ये इतनी चोरियां ट्रांसपोर्ट नगर में हो रही हैं। म्यूजिक सिस्टमों में कारों में हम लोग लगाते हैं एंड्रॉयड प्लेयर वगैरह, कैमरे, सेंटर लॉकिंग, गाड़ियों की सेफ्टी के लिए रिमोट लॉकिंग वगैरह लगाते हैं। वो जो उन्हें लगा वो उन्होंने उसको उठाया। लेकिन अब मान लिया गश्त तो मेन रोड में हो गई और जो इधर उधर गलियां हैं, रोड हैं, अंदर अंदर सब रोडों में बैठे हैं जो लोग घूम रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा? उनको नहीं पता। नशा मानित है कारण है बड़ा कि रीवा में जो अवैध नशा देखिए मेन कर रहे हैं, इंतजाम भी कर रहे हैं और मतलब ऐसा भी लग रहा है कि और सुरक्षा बढ़ाएं, सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड और दो ठो बैठाएं, मतलब ये सब करें हम। नहीं मतलब पुलिस सुरक्षा नहीं मुहैया कराए पा रही व्यापारी का। अब पुलिस सुरक्षा रीवा में लगातार हो रही घटना का लेके जो है लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। और यह बात का लेके कि सड़क के किनारे में चलती रोड पर हादसा हो रहे हैं और बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। रीवा के जानी मानी सन डेकोर जो है एक दुकान ही जो स्टेशन रोड में स्थित ही सड़क के किनारे ही, लेकिन चोरन के द्वारा देर रात में धावा बोला गया और स्थिति अब है कि ऊपर के रास्ता से चोर दुकान के अंदर घुसे और महंगे सामानन का चोरी किए। इनका लगभग 2.5 लाख रुपये के यहां से गबन के सूचना बतौर यहां के प्रोप्राइटर जो हैं उनके द्वारा थाना में दिए गए। पूरा घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के है और सबसे बड़ी बात यह कि चोरन के द्वारा इधर की या अमूमन घटना नहीं हुई कि DVR उठाए के ले जाए, लेकिन पहले भी ऐसा वाक्य आवा है कि DVR तक उठाए ले गए हैं जो उन्हें मैं चोरन के पूरा कारनामा रिकॉर्ड रहा। तो हमारे साथ बातचीत करे खातिर यह सन डेकोर के जो है प्रोप्राइटर हैं उनसे बातचीत करी थी कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसा उनका जानकारी भय, कैसा पुलिस तक पहुँचे और का तमाम अभी तक कार्यवाही भय। तो भैया का शुभ नाम है अपना के और का कुछ या दुकान में चोरी के वारदात भय? मैं नावेद सिद्दीकी। असल में 14 तारीख की रात को 10:30 बजे लगभग दुकान 9:30 बजे बंद कर दी है। तब तक सब सही था। रात को करीब 12 बजे भी हम लोग अपने कैमरे से वॉच करते हैं, 1 बजे जब आँख खुल जाती जब वॉच करते हैं, तो उन्होंने हम वॉच करते देखा कि तो ठीक था, लेकिन जब सुबह 4 बजे वॉच किया तो कैमरे बंद थे। जब कैमरे बंद थे तो मन में आया तो हमने इसको यहाँ आए और देखे, हमारे छोटे वाले ब्रदर आए और देखा उन्होंने। और देखने के बाद बाहर से तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब शटर को खोला गया तो अंदर लाइट जल रही थी, जिससे ये प्रतीत हुआ कि कुछ अंदर यहाँ घटना हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस 100 डायल को फ़ोन किया और 100 डायल तुरंत आई भी और फिर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप सिविल लाइन को FIR करिए और जानकारी दी गई। तब से फिर पुलिसिया कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में अब फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए गए हैं और ये अभी देखा जा रहा है कि अब क्या पुलिस कर रही है हमारे लिए या जनता के लिए। ये इतनी चोरियां ट्रांसपोर्ट नगर में हो रही हैं, इसके लिए क्या यहाँ कोई एक चौकी बनाना चाहिए? एक बनाना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि अगर पब्लिक तो ऐसे हताश रहेगी, ऐसे मुझे नहीं लगता कि मन में सुकून नहीं रहता। अब मुझे भी लगता है कि क्या मैं भी चौकीदारी करूं, पर ठीक है पुलिस का काम है, कर रही है, सपोर्ट कर रही है, पुलिस दौड़ रही है हमारे लिए, कहीं ना कहीं से अपराधी को तो ढूंढ लाएंगे वो। अब यही है कि जो नुकसान किया है अब वो नुकसान तो भरपाई करेगा वो जो पकड़ में आएगा, लेकिन अभी ये तो माना जा रहा है कि वो पहले पकड़ में आए, तो पुलिस क्या कर रही है इसके लिए या पुलिस बताएगी? चलिए ये बताइए कि लगभग या जो 2.5 लाख के अपना सामान के जिक्र करे हैं तो मैं का कुछ सामान दुकान के कीमती सामान का हम लोगों पास कार में लगाने के लिए म्यूजिक सिस्टम वगैरह हुआ करते हैं, तो उन म्यूजिक सिस्टमों में कारों में हम लोग लगाते हैं एंड्रॉयड प्लेयर वगैरह, कैमरे, सेंटर लॉकिंग, गाड़ियों की सेफ्टी के लिए रिमोट लॉकिंग वगैरह लगाते हैं। वो जो उन्हें लगा वो उन्होंने उसको उठाया और उसको उठाकर ले गए।
तो अनुमानित ये है, हमारा DVR भी ले गए, कैमरे का 360 डिग्री कैमरे वगैरह लगे थे वो सब तोड़ फोड़ के अलग किया, अपने जान उन्होंने सब सेफ्टी हट वो सुरक्षा की सब चीज़ हटा लिया और सब उखाड़ के ले गए उसको। तो ये नुकसान तो लगभग इतना पहुंचा दिया हमको। अब ये है कि अब इसके लिए क्या कहें, कौन जिम्मेवार है? नहीं, ये बताइए, सड़क के किनारे इतने बड़े हादसा या चोरन के अंदर अब खौफ पुलिस के नहीं आए या तब प्रतीत हो रहा है कि पुलिस का खौफ अब कैसे हो? पुलिस का खौफ अभी लगातार चोरियाँ हो ही रही हैं, आप देख ही रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर का रोज़ पेपर में निकल रहा है। तो क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर ही बिल्कुल फेमस हो गया है कि यहीं चोरी होनी है? पर उसके लिए पुलिस कुछ करे, अपराधियों को पकड़े, उन्हें पूछताछ करे, तो कुछ ना कुछ तो क्लू देंगे कि जहाँ जहाँ चोरियाँ हो रही हैं उसको कम से कम रोकथाम मिलेगा। और बेस्ट होगा कि यहाँ एक चौकी बने तो वो कम से कम यहाँ 2-4 पुलिस रहेगी, सायरन देंगे, गश्त करेंगे, तो कुछ यहाँ तो सिविल लाइन थाना है और तमाम वहाँ फोर्स एक ही खितिर रखे जाते हैं कि समय समय पर जो है पूरा गश्त होए। और गश्त तो होती है लेकिन अब मान लिया गश्त तो मेन रोड में हो गई और जो इधर उधर गलियां हैं, रोड हैं, अंदर अंदर सब रोडों में बैठे हैं जो लोग घूम रहे हैं, उन पर कैसे पता चलेगा? उनको नहीं पता। नशा मानी थे कारण है बड़ा कि रीवा में जो अवैध नशा, देखिए मेन कारण वही है, 90% लोग तो इसी में व्यस्त रहते हैं, खासकर युवा। तो अब उसके लिए तो कितना पुलिस प्रयास भी तो कर रही है, पकड़ भी रही है, मार भी रही है, लेकिन अब यही है कि वो भाई सुधर नहीं रहे हैं। लेकिन ये वही कारण है कि सब ये सब उसी समय सम्मिलित है, यही रीज़न है कि ये जो मेन काम हो रहे हैं सब, ये सब उसी के कारण है। नहीं तो अपना केहू के ऊपर शंका ही केहू से? अभी हमारा तो किसी से कोई ऐसी शंका नहीं है किसी के ऊपर। अब ये तो हम मानते हैं कि किसका नाम ले लें भाई, मैं तो किसी को देखा नहीं कि मैं किसको बोलूं, पर हुआ काम तो हुआ। चलिए, ये चोर जो ऊपर के रास्ता से अपना के मेन जहाँ कीमती सामान रखा रहे वहाँ तक पहुँचे, तो का ओमा ऐसा पहुँच रही कि पहुँच जाए या ऐसा इंतज़ाम नहीं करे? ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब वो ऐसा हुआ है, अब वो तो दिख रहा है। अब बेहतर इंतज़ाम कर रहे हैं? इंतज़ाम क्या कर रहे हैं, इंतज़ाम भी कर रहे हैं और मतलब ऐसा भी लग रहा है कि और सुरक्षा बढ़ाएँ, सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड और 2 बैठाएँ, मतलब ये सब करें हम। नहीं मतलब पुलिस सुरक्षा नहीं मुहैया कराए पा रही व्यापारियों का? अब पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी जब यहाँ पे चौकी बनेगी। कुछ दहशत तो रहेगी चोरों को कि यहाँ पुलिस थाना है या पुलिस घूम रही है, तो दहशत रहेगी। ऐसे तो हमको नहीं लगता कि कुछ रहेगा, ऐसे तो चोरियाँ लगातार हो रही हैं ना, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि लगातार हो रही हैं। अभी इधर हुई हैं, इधर भी कई पूरे एरिया में सब चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए पुलिस को थोड़ा और कुछ नए इनको स्कीम लाना चाहिए जिससे पकड़ में आए अपराधी। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं पीछे कैमरा के DVR नया लगवाबा जा रहा है, वह कैमरा वहीं थे DVR लगा रहा जेका चोरन के द्वारा उखाड़ी के ले जावेगा। लेकिन यह बताइए कि FIR पुलिस दर्ज कर चुकी है, पुलिस के द्वारा का आश्वासन मिला है? पुलिस के द्वारा आश्वासन यही मिला है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ते हैं, उनकी पतासाजी लगाई जा रही है। अब कल तो ये सब कार्यक्रम हुआ है, स्पेशल टीम वगैरह आई रही है? हाँ, आई थी सब, अब वो कार्रवाई कर रहे हैं कुछ। अब आज अभी तो कुछ जानकारी ऐसी नहीं मिली हमको, अब मैं कल फिर उनसे कांटेक्ट करूँगा कि क्या हुआ, कोई जानकारी मिली तो बताएंगे। तो डर लगा थी कि अब आगामी दिनन में महंगा सामान या? हाँ बिल्कुल डर लगती है, बहुत डर लगती है, क्यों नहीं डर लगती? जो आदमी डर तो लगेगी, सामान्य आदमी को तो डर लगेगी, बाकी डरता तो आदमी किसी भी उठपटांग काम से तो हर आदमी को डर लगता है भाई, अपन तो कोई गलत काम करते नहीं तो अपन को तो डर लगेगा, है ना। इस डर को दूर करने के लिए पुलिस सहायता करे, सबकी सहायता करे, मेरी नहीं सबकी करे, जिससे सब चीज़ का सबका मन हल्का रहे कि हमारा व्यापार सही है, दुकान बंद कराए हैं तो सुरक्षित है, ये मन में रहना चाहिए। पर ऐसा है नहीं, डर रहता है कि असुरक्षित है। हाँ, ये बात तो है। चलिए, तो यह व्यापारी के डर अपना दिख रहे हैं कि लगातार ट्रांसपोर्ट नगर में हो रही चोरी की घटना जो है कहों ना कहों लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है, और यह खौफ के वजह से जो व्यापारी है वह कहों ना कहों एक ही खातिर मजबूर हो रहा है कि अपन खुद के अब सिक्योरिटी जो है लगावे के परी लागत है, कहे कि पुलिस सिक्योरिटी या सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। और यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब शहर के अंदर यह हाल है तो गांवन के हाल का हुई अपना अंदाज़ा लगाए जा सकी थे, और यह एक बेहद दुखद पहलू है कि लगातार जो है पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, चाहे अवैध नशा के व्यापार हो या फिर यह में चोरी चमारी जैसा एक
लगातार हुई रही घटनाक्रम जो कई एक तरह के सवालन का खड़ा कर रहे थे। अन्य व्यापारी से कुछ अपील करें चाहे आपकी सुरक्षा क्यों में करें अपने अपने दुकान में सभी लोग एक वो करें कि भाई यहाँ पर पुलिस का कोई इंतजाम हो, सारे व्यापारी गण इकट्ठा हों और करें कि यहाँ पे पुलिस का कोई इंतजाम होना चाहिए। पुलिस रहे यहाँ तो कम से कम कुछ तो मन में बना रहेगा कि यार पुलिस थाना या चौकी है तो कुछ जल्दी से मदद मिल सकेगी किसी को। ऐसे तो अब क्या कहा, इकट्ठा हो व्यापारी इकट्ठा होकर जाब का एसपी से मिले या कौनो बड़े अब बात करते हैं, कोई बात करते हैं कि कोई ऐसी जानकारी मिले, कल हम पहले बात कर लें फिर इसके बाद व्यापारी सारे बात करेंगे कि क्या होना है, क्या करना चाहिए, है ना, जैसा सही लगेगा फिर वैसा किया। मुख्यमंत्री के आज तो आए गए हैं तो काम मुलाकात, वो तो देखिए उप मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सही है, अब इतनी इन चीज़ों में उनका क्या है, वो तो भाई मतलब उनका गृह जिला है या हाँ हो गया वो तो सही बात है, पर जब ऐसा घटना होती है तो सवाल तो खड़े होते कि कम जो काम कर रहे हैं भैया से बेहतर तो कोई नहीं है, अगर थोड़ा और ध्यान कर लेंगे तो शायद और बेहतर हो जाएगा। चलिए तो निश्चित तौर पर कहा थे ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर शायद भाई साहब कायम है, उम्मीद पर हमहू कायम है कि एक कसावट वाली पुलिस की अब आवश्यकता ही जो तमाम ऐसा व्यापारी भाई का सुरक्षा मुहैया करावे उनके जान और माल दोनों के, कहे कि यदि में अपराध बढ़त रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब सड़कन में खून खराब हो सकत है और वह कहों न कहों अपराधीन के अंदर खौफ खत्म हो जैसा है। यहीं से हम बे कह रहे हैं कहे कि सिमरिया माबे बीते दिन भा चाकू कांड जगह जगह हो रही गोलीकांड तो यह में कहो न कहो पुलिस के साख पर बट्टा लग रहा है, लेकिन ज़रूरत यह है कि अब पुलिस अपन खुद का ताकत का पहचान है और निश्चित तौर पर एक कसावट के बेहद आवश्यकता है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग